ऑलराइट, सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर मोहम्मद एन। आई होप सारे भाई बढ़िया हो गए, मैं भी बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब। सो दोस्तों, आ गई है मार्केट में न्यू बाइक रॉयल एनफील्ड की तरफ से गोरिल्ला 450 यानी कि 415 आ गई है। इसका ओवरलुक आप लोग देख सकते हैं, सामने का फ्रंट लुक इसका कुछ इस तरीके से लगता है। इसका हैलोजन वगैरह आप लोग देख सकते हैं। बाकी इसका अगर मैं बात करता हूँ इंडिकेटर्स वगैरह की, तो इंडिकेटर्स एकदम परफेक्ट बनाए गए हैं और परफेक्ट इनका बिल्कुल सेफ दिया गया है। और बाकी आप लोग मीटर्स वगैरह देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से इसके स्विचेस वगैरह दे दिए हैं। बाकी हिमालय जो आपकी आई थी, तो हिमालय से इसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर रहने वाला है, इंजन में भी और स्विचेस में भी और फ्यूचर्स में भी। अगर आप लोग नई बाइक को परचेस करने की सोच रहे हैं 2.5-3 लाख के अंदर, तो आप लोगों को ये बाइक मिलने वाली है। अगर मैं इसके बात करता हूँ कि ऑन रोड प्राइस की, तो वैसे तो ये ऑन रोड प्राइस 2,93,000 रुपये का है ऑन रोड पे लखनऊ में। और अभी अभी आप लोगों की सिटी में जहाँ जहाँ भी है, आप लोग जिस सिटी में रहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उस सिटी का रेट आप लोगों को फिक्स कमेंट में बता दूंगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं 160 का टायर जो है इसमें देखने को मिलता है। बाकी 160 का टायर अभी तक तो बहुत ही कम ही बाइक में आया है। और फ्रंट का जो टायर है इसका, वो है 120 का। और बाकी अगर मैं पीछे की बात करता हूँ, तो पीछे से आप लोग देख सकते हैं इसकी जो पीछे की लाइट होती है वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलने वाली है। और जो इसके इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स के अंदर ही इसकी पीछे की लाइट जो होती है वो इंडिकेटर्स के अंदर ही सेट कर दी गई है। बाकी आप लोग ओवरलुक इसका देख सकते हैं, बाकी बहुत ही कंफर्टेबल बाइक रहने वाली है ये। आप लोगों की रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450 cc की रहने वाली है। बाकी एक लोग के लिए बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है, जो कि अगर दो लोग बैठते हैं तो आप लोगों को पीछे ग्रैब हैंडल देखने को नहीं मिलता है। जैसे अन्य बाइक में होता है कि ग्रैब हैंडल वगैरह होता है, वैसे तरीके से इसमें ग्रैब हैंडल नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ यामाहा MT50 की, तो यामाहा MT50 में भी पीछे ग्रैब हैंडल नहीं था और इसमें भी ग्रैब हैंडल नहीं है। बाकी आप लोग साइड से इसका ओवरलुक देख सकते हैं। और अब अगर इस बात करता हूँ कि इसके कलर वेरिएंट की, तो अभी तो 5 कलर इसमें देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसके 3 वेरिएंट है, टॉप, बेस और टॉप मॉडल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ, तो प्राइस यहाँ पर आप लोगों को 1,54,000 से स्टार्टिंग होकर के 2,93,000 तक के आप लोगों को यह बाइक मिलने वाली है। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा मॉडल कौन सा कलर लेने वाले हो। हालांकि कलर के ऊपर भी पैसे का चार्ज बढ़ जाता है, और इसका मॉडल के ऊपर यानी कि जो टॉप मॉडल है और बेस्ट मॉडल है उसमें भी थोड़ा सा अंतर रहने वाला है। तो 2,54,000 रुपये में बाइक की स्टार्टिंग रहने वाली है ऑन रोड पर, और 2,93,000 रुपये तक आप लोगों को बाइक मिलने वाली है ऑन रोड पर। और बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों का 3 लाख के अंदर ये बाइक कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।